तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूँ जिससे कि आपको देख के उसको मतलब आपकी फट जाएगी। मतलब बचपन से लेके अभी तक आपने जो वीडियो में अभी दिखाऊंगा उसके बारे में जो जो सुनता आया है ना, ऑलमोस्ट आपका पूरा डर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट मैं रास्ते से मतलब मैं फूड डिलीवरी ऑर्डर मार रहा था तभी मेरे को एक चीज़ दिखा, तो था भाई आउल। आउल को देख के मेरी फटी, क्योंकि मेरे को ना जो भी मैंने बचपन से सुनते आया है उसके बारे में कि वो भूत है, ये है, वो है, और उसको देखना अच्छी बात नहीं है ज़्यादा। तो फिर उसके पास बैठा और बैठने के बाद मैं उसको ध्यान से देखा, ऑब्जर्व किया। फिर मैं देखा कि भाई ये थोड़ी ना भूत है, कुछ भी है, बचपन से लेकर कुछ भी हमारे माइंड में मनगढ़ंत कहानी बना दिया है। तो मैंने उसको ध्यान से देखा, उसको समझा, फिर बाद में जो मेरा डर था ना ऑलमोस्ट पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। चला है, मैं आप लोग के साथ वो वीडियो शेयर करता हूँ, तो आप लोग देखना। ठीक है, थोड़ा सा मैंने उसको ब्लैक एंड वाइट बनाया है कि एक्चुअल में थोड़ा सा वो ब्लडी वडी था, थोड़ा ब्लड मतलब चूहे का जो ब्लड वगैरह दिख रहा था एकदम, तो मेरे को लगा कि आप लोगों को देखने में इतना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने उसको ब्लैक एंड वाइट बनाया है। तो देखा जाए तो साल में 1,000 चूहे तो आउल खा लेता है और नेचर का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखता है। मतलब सारे चूहों का कॉन्ट्रैक्ट उसके पास ही है भाई। अब मैं उसके इतने बाजू में बैठा था, मैं चाहे तो उसको हाथ लगा सकता था मगर मैंने हाथ इसलिए नहीं लगाया क्योंकि वो भाग जाएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा फिर उसको देखने में। मैं जस्ट उसको देख रहा था और भाई उसका जो चोच है ना वो बहुत खतरनाक था यार। जो ऐसा उखाड़ रहा था ना चूहे को, एक एक पार्ट उसके, वो देखने खतरनाक था एकदम। मगर एक बात है कि मेरा जो अंदर का पूरा डर था ना उसको लेके वो सब हट गया। ठीक है, तो भाई सामने देख सकते हो आप लोग कि जस्ट मैं आपको अभी कैमरा घुमा के दिखाता हूँ क्या है। बात बोलना चाहूँगा कि आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और आप एक सब्सक्राइब करोगे तो मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि मैं और अपने आप को इम्प्रूव करूँ, अच्छे अच्छे वीडियोस लाऊँ। और ठीक है, बस इतना ही बोलना था आप सभी से। तो मिलते हैं फिर एक बेहतरीन नेक्स्ट वीडियो में।